संक्रमण की जो स्थिति है उस विषय को बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी आवश्यकता है कि मिलजुल करके इस संक्रमण की जंग को जीतना। आज इस संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति, क्योंकि यह संक्रमण इस तेजी से आया है कि लोगों को, आम लोगों को तो छोड़िए, किसी को भी यह पता नहीं चला कि इस तरीके की रफ्तार, इस रफ्तार के साथ ये आएगा और लोगों को परेशान करेगा। आज इस संक्रमण में सबसे अधिक लोगों को ऑक्सीजन युक्त बेड की आवश्यकता पड़ रही है और इसको लेकर आपने देखा होगा, निरंतर हमने कई प्रयास किए हैं और झारखंड के प्रमुख शहर जैसे हमारे इस राजधानी रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, बोकारो में, जिस तरीके से मरीजों का, संक्रमित लोगों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है और जानकारी के अभाव में जिले स्तर पर भी हमने जो ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराया है वो खाली पड़ा रह रहा था। कोविड सर्किट की हम लोगों ने शुरुआत की, उससे भी एक अच्छा संकेत आया है। बड़े पैमाने पर लोग अपने आसपास के जिलों में ही ऑक्सीजन युक्त बेड उनको उपलब्ध हो जा रहा है और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने शहर के अंदर और रिसलदार बाबा के इस परिसर में निर्मित अस्पताल पर 100 बेड का ऑक्सीजन युक्त बेड संचालित करने का कार्य पूर्ण हो चुका है। कल से या परसों से यहाँ पर मरीजों का, संक्रमित लोगों का एडमिशन भी किया जाएगा, यहाँ उनको रखा जाएगा। इसके अलावा रांची के सदर रिम्स अस्पताल में, जो हम अभी थोड़ी देर पहले वहाँ घूम के आए हैं, वहाँ पर नवनिर्मित हमारा एक कार पार्किंग था। अभी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर उस कार पार्किंग को कोविड सेंटर में बदलने का निर्णय लिया गया और लगभग 400 लोगों को वहाँ हम लोग कैटर कर पाएंगे 350 बेड के साथ, 50 अतिरिक्त इमरजेंसी बेडों के साथ, और वो भी मुझे लगता है 3-4 दिनों में, जब तक रिसलदार बाबा के परिसर में कोरोना संक्रमितों का आना प्रारंभ होगा तब तक दूसरा सेंटर हमारा एक बड़ा सेंटर बनकर के तैयार होगा। और इसके बाद कुछ दिन पहले हम इटकी घूम के ही आए हैं, वहाँ के लिए भी कार्य योजना तैयार हो रही है। कुल मिलाकर के बहुत तेजी से हम लोगों ने इस संक्रमण को ध्यान में रखकर अपनी भी गति बढ़ाई है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो अफरा तफरी का माहौल है वो धीरे धीरे सेटल डाउन होगा, ऐसी मेरा मुझे उम्मीद है। और इस संक्रमण में लोगों से पुनः अपील है मेरा कि कृपया
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कड़ाई से पालन करें। आपकी रक्षा आप ही के हाथ में है, आपके परिवारों की रक्षा आप ही के हाथ में है। आज ये संक्रमण बिल्कुल दबे पांव किसके सामने आके खड़ा होगा कहना बड़ा मुश्किल है। इस वजह से आप लोग सरकार के निर्देशों का पालन करें, कड़ाई से पालन करें, थोड़ा देर संयमता के साथ, थोड़ा कुछ दिन हम लोग इस संक्रमण को समाप्त करने के लिए संकल्प लें तो निश्चित रूप से ये संक्रमण समाप्त होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री को आपने पत्र लिखा है आज? हाँ, आज हमने गुजरात के मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखा है, क्योंकि हमारे कल मैंने हमारे इस रांची शहर के इर्द गिर्द जो रिफिलर सेंटर है उसका भ्रमण किया है और उस सेंटर्स का सिलेंडर रिफिल करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए उन लोगों ने कई मशीनों का ऑर्डर दिया हुआ है और ऑक्सीजन रिफिलर्स या प्लांट की जो मशीनें हैं या सिलेंडर हैं ये सभी गुजरात में बन रहे हैं और काफ़ी दिनों से लोगों ने ऑर्डर किया है और अभी अचानक उनको और भी विलम्ब से उनको सम मशीनरी उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। ऐसे में हो सकता है कि हमें दिक्कत होगी, इसलिए हमने आग्रह किया है कि जो हमारे यहाँ पर पहले से हमारे लगे हुए ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनके सारे मशीनरीज को जल्द से जल्द भेजा जाए ताकि ये अधिक से अधिक क्षमता में ऑक्सीजन लोगों तक उपलब्ध करा पाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि झारखंड से बड़े पैमाने पे पूरे देश में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन भेजा जा रहा है और ये हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं कि आज की इस संक्रमण की घड़ी में सभी लोगों को एक साथ हाथ पकड़ के चलना होगा, तभी ये चीज़ें एक साथ एक बराबर तरीके से इस संक्रमण को रोका जा सकता है। धन्यवाद। ठीक।